हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि Xiaomi ने MIUI 15 के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है, बट उससे पहले माना यह जा रहा है कि आपको MIUI 14.1 जो है देखने को मिल सकता है, जिसमें कुछ आपको नए फीचर्स जो है देखने को मिलेंगे जो कि अभी तक आपको MIUI 14 में देखने को नहीं मिले हैं। तो आज के उस वीडियो में उन्हीं फीचर्स के बारे में बात करने वाला हूं जो कि आगे चल के आपको MIUI 14 या MIUI 14.1 के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप Xiaomi के काफी पुराने यूजर हैं देन आपको पता ही होगा कि MIUI के आपको तीन बिल्ड देखने को मिलते हैं। सबसे पहला बिल्ड देखने को मिलता है MIUI का स्टेबल बिल्ड जो कि पब्लिक के लिए रोल आउट किया जाता है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है MIUI का बीटा टेस्टर बिल्ड जो कि उनके पायलट टेस्टर जिसे आप बीटा टेस्टर्स भी बोलते हैं उनको देखने को मिलता है। उसके बाद थर्ड जो उनको बिल्ड देखने को मिलता है वो होता है MIUI डेव बिल्ड जो कि डेवलपर्स को देखने को मिलता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस टाइम पे हम जो है MIUI 14 का जो है डेव बिल्ड यहाँ पे यूज कर रहे हैं जो कि है MIUI 14.0.23.717 और जो डिवाइस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो है पोको F4। तो फाइनली जो है इसके अंदर जो है काफी सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको MIUI 14 के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं, यानी कि नए फीचर्स उनको जो है डेव इस टाइम पे टेस्ट कर रहे हैं और मे बी आपको ये MIUI 14 या 14.1 के अंदर फुल्ली आपको वर्किंग देखने को मिलेंगे। तो वही फीचर जो है अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि MIUI कैमरे का जो है 5.0 वर्जन जो है इस टाइम पे बीटा स्टेज के ऊपर है जिसको डेव्स जो है अपने MIUI वर्जन में टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको कुछ इस तरह का UI जो है अब यहाँ पे देखने को मिलता है। तो UI में जो है कुछ यहाँ पे आपको चेंजेस जो है जरूर देखने को मिल रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे अब जो है इस तरीके से आपको यहाँ पे UI में चेंजेस देखने को मिलता है और मोर में जाएं तो आपको कुछ इस तरीके के आइकन्स देखने को मिलते हैं। आप इनको कलरफुल करना चाहें तो कुछ इस तरीके का लेआउट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये माना जा रहा है कि ये कैमरा जो है आपको 14.1 के वर्जन्स में देखने को मिल सकता है। उसी तरीके से सिक्योरिटी के ऐप में भी कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। ये जो मेरे पास फोन है ये MIUI का डेव बिल्ड है और ये MIUI का इंडियन पब्लिक स्टेबल वर्जन है। तो जैसा कि आप देख पाएंगे सिक्योरिटी में आपको कुछ यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो नीचे आपको यहाँ पे कॉमन फीचर्स नाम का एक नया ऑप्शन आपको देखने को मिलता है जिसमें कुछ इस तरीके के आपको यहाँ पे एप्लीकेशंस और ये कुछ इस तरीके के आपको फैमिली गार्ड के एप्लीकेशंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, डाटा यूसेज वगैरह। बट ये जो है आपको सिक्योरिटी ऐप में जो आपको इंडियन स्टेबल वर्जन है उसमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो यानी कि डेवलपर जो है सिक्योरिटी की एप्लीकेशंस के ऊपर भी कुछ काम कर रहे हैं और आगे चल के आपको कुछ यहाँ पे नए कॉमन फीचर्स जैसे जो है आपको यहाँ पे सेक्शंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे जिसमें कुछ नए एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। अगला फीचर जो आपको नया इसमें देखने को मिलने वाला है वो है गैलरी रिलेटेड। सपोज कीजिए कि गैलरी में आपने कोई स्क्रीनशॉट कैप्चर किया है जिसमें कुछ टेक्स्ट वगैरह देखने को मिलते हैं, तो अब जो आप जो कि इमेज में ही जाके उन टेक्स्ट को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं और कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये एक स्क्रीनशॉट है, इसको हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसके ऊपर टैप रखता हूँ इस तरीके से, तो ये देख पा रहे होंगे आप इन सबको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, ये सारे के सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इवन आपको शेयर का ऑप्शन मिल जाता है, ट्रांसलेट का ऑप्शन मिल जाता है और साथ ही साथ यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो यानी कि अब जो है इमेज के अंदर से भी जो है आप कॉपीज यानी टेक्स्ट को कॉपीज कर पाएंगे और उनको शेयर भी कर सकते हैं, ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। ट्रांसलेट के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको ये ट्रांसलेशन के बारे में पूछेगा। तो कुछ इस तरीके की चीजें अब आपको आगे चल के गैलरी एडिटर में भी देखने को मिल सकती है। अगला चेंज जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो आपके डायलर के अंदर, डायलर के अंदर जो है अब आपको एक नया ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है जिसमें है रीड इनकमिंग कॉल्स इन्फो। ये अभी तक आपको MIUI 14 में देखने को नहीं मिलता है। इसके ऊपर आप टैप करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आपने इनको जो है ऑलवेज ऑन रखना है या फिर आप इसको डिसेबल रखना चाहते हैं। तो ये नया ऑप्शन भी आगे चल के आपको MIUI 14.1 के कुछ बिल्ड्स में आपको देखने को मिलेगा। माना यह जा रहा है सबसे पहले ये बिल्ड जो है फ्लैगशिप मॉडल्स को देखने को मिलेगा, उसके बाद ही कुछ लिमिटेड फोन्स को देखने को मिलेगा। तो ये फीचर जो है कुछ लिमिटेड फोन्स को ही देखने को मिलने वाले हैं, मे बी जो फ्लैगशिप फोन्स हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं आपको गैलरी के अंदर जो है आपको काफी सारे स्काई के फिल्टर्स देखने को मिलते हैं, वहां पे अब आपको डायनेमिक के अंदर एक टेक्स्ट नाम का एक नया फिल्टर वहां पे प्रोवाइड किया गया है जिसमें यहाँ पे आप टेक्स्ट के ऊपर जाएंगे, जो भी वर्ड ऐड करेंगे डिफॉल्ट यहाँ पे जो है लव वर्ड लिखा होता है। सपोज कीजिए कि आप इसको चेंज करना चाहते हैं, हम इस पर लेते हैं MIUI MIUI और ओके कर देते हैं। तो जैसे आप उस अप्लाई करेंगे उसके बाद जो आपके स्काई ब्राउन बैकग्राउंड के जो वॉलपेपर्स होंगे या स्क्रीन्स होंगी उनके ऊपर जो है कुछ इस तरह का टेक्स्ट इफेक्ट जो है आपको थोड़ी देर में यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अब आपको यहाँ पे एक MIUI का टेक्स्ट जो है यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ नए फिल्टर्स जो है इस टाइम पे आपके गैलरी के अंदर स्काई मोड में टेस्ट किए जा रहे हैं। तो मे बी स्काई फिल्टर्स के अंदर जो है काफी सारे आपको और भी नई चीजें यहाँ पे आगे चल के इन फ्यूचर देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं आपको एडिट का ऑप्शन में बेसिक AI और ब्यूटीफाई का मोड मिलता है, बट ब्यूटीफाई में अभी तक MIUI 14 में कुछ लिमिटेड ही मोड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बट अब यहाँ पे आपको और भी काफी सारे मोड्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं जैसे स्मार्ट, स्किन, फेस, बॉडी या एनिमल्स।
तो ये सारी चीजें जो है अब आपको यहाँ पे काफी सारे फिल्टर जो है अब यहाँ पे यानी कि ब्यूटी मोड में भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें आपको काफी सारे और भी नए ऑप्शंस आगे चल के यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, जिसके थ्रू जो है आप अपने इमेजेस को और भी ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं। कुछ और फीचर्स भी जो है आपको एडिटर में देखने को मिलेंगे। अगर आप मोर के ऊपर जाते हैं तब आपको यहाँ पे ऑटो एडजस्ट का एक ऑप्शन मिलता है, जिसके थ्रू जो है ये अपने आप जो है इसकी एआई टेक्नोलॉजी जो है सारी चीजों को चेक करेगी और आपको वहाँ पे इफेक्ट मिल जाएगी, किस तरह के इफेक्ट आपको देखने मिलते हैं। अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट चाहिए तो आप ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आप अगर इनहेंस इफेक्ट देखना चाहें तो ये देख आपको प्रीव्यू मिल जाएगा कि पहले कैसे था और उसके बाद किस तरीके होता है। अगर आप फोटो क्वालिटी को इनहेंस करना चाहते हैं तो इनहेंस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है फोटो को जो है काफी इनहेंस करेगा और देख पाएंगे कुछ इस तरीके से आपकी जो फोटो जो है काफी इनहेंस हो जाएगी और नीचे आपको क्रॉप, स्ट्रेटन या रिमूव के कुछ नए ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो इफेक्ट्स में जा सकते हैं आप, इसके क्रॉप में जा सकते हैं, स्ट्रेटन में जा सकते हैं, ये चीजें मिल जाती हैं और रिमूव में भी जाके आप इसके अंदर काफी सारी चीजों को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें जो है आपको अब गैलरी के अंदर यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है एडिटर के अंदर। यही नहीं, आपको एक और ऑप्शन अब यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिलता है। अब आपको यहाँ पे क्रिएट पीडीएफ का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसके थ्रू जो आप किसी भी स्क्रीनशॉट को या किसी भी वेब पेज को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको रीनेम करके, सेव करके या सेंड करके। आप उसको जैसे सेव कर लेंगे उसके बाद जो है सेंडिंग का कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा और आप किसी भी अपने सोशल अकाउंट या सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर उसको शेयर कर सकते हैं। तो ये कुछ चेंजेस आपको गैलरी एडिटर में देखने को मिलने वाले हैं। अगला चेंज जो आपको देखने को मिलता है वो मिलता है आपको फाइल मैनेजर की सेटिंग्स के अंदर। अगर आप फाइल मैनेजर की सेटिंग्स में जाएं तो अब आपको यहाँ पे इनक्रिप्ट प्राइवेट फाइल्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, शो हिडन फाइल्स का ऑप्शन मिल जाता है और एक और ऑप्शन देखने को मिलता है डोंट शो गैलरी आइटम्स एंड स्क्रीनशॉट अमंग रीसेंट फाइल्स। ये काफी सारी चीजें अब जो है आपको आगे चल के इसके अंदर यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो फाइल मैनेजर के अंदर भी कुछ यहाँ पे चेंजेस किए जा रहे हैं। नो डाउट यूआई में तो चेंजेस किए ही गए हैं बट इसके सेटिंग्स में भी अब आपको काफी सारे चेंजेस जो आगे चल के देखने को मिलने वाले हैं। उसी तरीके से एक काफी अच्छा फीचर जो था आपको MIUI 12.5 तक देखने को मिलता था बैटरी के पहल में, वो वापस जो है आपको MIUI 14.1 में आगे चल के देखने को मिल सकता है। जो कि बैटरी के अंदर जाए तो आपको ऑप्टिमाइज चार्जिंग का ऑप्शन भी अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें मेंशन किया गया है टू रिड्यूस बैटरी एजिंग MIUI लर्न्स फ्रॉम योर डेली चार्जिंग रूटीन इन ऑर्डर टू रिड्यूस अननेसेसरी कंटिन्यूस चार्जिंग। तो यानी कि ये ऑप्शन भी जो है इस टाइम पे डेवलपर्स इसको टेस्ट कर रहे हैं और मे बी आगे चल के ये आपके लिए काफी लाइफ सेवर हो सकता है आपकी बैटरी के लिए, आपकी बैटरी बैकअप के लिए और आपकी बैटरी एज के लिए। तो ये फीचर तो मस्ट है MIUI यूजर्स के लिए। उसी तरीके से अब ये भी माना जा रहा है जैसे कि आप स्क्रीन रिकॉर्डर यूज करते हैं तो आपको फ्रेम रेट में अभी कुछ ही ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, बट आगे चल के जो है आपको इसके अंदर और भी काफी सारे जो है ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे 15 FPS, 24 FPS, 30 FPS, 48 FPS, 60 FPS और 90 FPS। तो ये कुछ चेंजेस आगे चल के आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया जो बिल्ड हम यूज कर रहे हैं वो डेवलपर बिल्ड है, यानी कि ये डेव्स को मिलता है और डेव्स इसको इस टाइम पे टेस्ट कर रहे हैं और इसके अंदर कुछ नए चेंजेस कर रहे हैं। आगे चल के जो है आपको इसका स्टेबल वर्जन देखने को मिल जाता है, मे बी 14.1 में ही आपको ये देखने को मिलेंगे या भी मे बी 14 के अंदर भी कुछ फीचर्स को आपको धीरे धीरे अपडेट करके इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये है पोको F5 और इसके अंदर हम MIUI 14 का इंडियन स्टेबल वर्जन यूज करें। अगर आप सेटिंग्स पैनल में जाएं और कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करें तो देख पा रहे हैं आपको कोई भी जो है यहाँ पे इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता है, नहीं तो एक यहाँ पे इलास्टिक टाइप का जो है एक बाउंस इफेक्ट आपको देखने को मिलता है नए बिल्ड के अंदर। आप देख पाएंगे चाहे आप नीचे चल जाएं तो पेज यहाँ वहीं पे स्टक हो जाता है, उसी तरीके से सेटिंग पेज में आप ऊपर चले जाते हैं वहीं पे पेज स्टक हो जाता है, चाहे बॉटम पे चले जाएं चाहे अप पे चले जाएं, बट जो अपना जो बिल्ड आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर कुछ चेंजेस यहाँ पे किए गए सेटिंग्स पेज में। तो सेटिंग पेज में कुछ आपको इस तरीके देखिए बाउंस इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, आप एक पेज पे वहां पे टॉप पे जो है वहां पे स्टक नहीं हो जाते हैं, उसी तरीके से आप जो बॉटम पे जाएं तो ये देखिए कुछ इस तरीके से, इवन आप किसी अंदर पैनल में भी चल जाएं वहां पे भी आपको कुछ इसी तरीके का एनिमेशन टाइप का आपको जो बाउंस इफेक्ट है वो आगे चल के यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये काफी अच्छी चीज है जो कि आगे चल के आपको MIUI 14.1 में देखने को मिल सकती है। उसी तरीके से जो है कैलकुलेटर के अंदर भी कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है जब कैलकुलेटर में कुछ क्वेश्चंस को यूज करते हैं बाद में आप सोचते हैं हमने क्या क्वेश्चन यूज की थी तो उसकी आप हिस्ट्री को चेकआउट नहीं कर पाते थे अपने MIUI 14 वर्जन में, बट अब कैलकुलेटर में आप कुछ इस तरीके से स्लाइड करें तो आपको सारी की सारी हिस्ट्री मतलब लगेगी कि आपने लास्ट क्या क्या चीजें जो है अपने कैलकुलेटर में यूज की थी, जो कि अभी आपको MIUI 14 के बिल्ड में देखने को नहीं मिलती है। तो कुछ इस तरीके से आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको जो जितने भी आपने अभी तक कैलकुलेशंस यूज की होंगी प्रीवियसली वो सारी की सारी आपको हिस्ट्री के पेज पे यहाँ पे शो कर देंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि लास्ट आपने क्या क्या इसके अंदर चीजों को यूज किया था, यानी कि किस तरीके की आपने इसके मल्टीप्लिकेशंस या क्या क्या कैलकुलेशंस इसके अंदर आपने यूज की थी। तो ये भी एक नया चेंज आपको कैलकुलेटर ऐप में देखने को मिल सकता है। अगला चेंज जो आपको देखने को मिलने वाला है वो है लॉन्चर के अंदर। आप देख पा रहे हो कि नीचे आपको यहाँ पे लॉन्चर के हमारे से लास्ट में नेविगेशन बार के पास काफी सारे कलर्स देखने को मिले। देखिए जैसे रेड कलर पे हम टैप करते हैं तो रेड कलर के ऐप्स देखने को मिलेंगे, येलो कलर में येलो कलर के, ग्रीन कलर में ग्रीन, ब्लू, पर्पल और इस तरीके से आपको, और ये एंड में जो फर्स्ट पहला बटन है इसमें आपको सभी के सभी डिफॉल्ट ऐप्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आपको एक सर्च का बटन भी देखने को मिल जाएगा। तो लॉन्चर में ये भी एक नया चेंज किया जा रहा है।
जो कि आपको आपके ऐप ड्रॉअर में जाने के बाद बैकग्राउंड्स पे जो है यहाँ पे कुछ नए ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ऐप ड्रॉअर में जाएंगे तो अब आपको यहाँ पे ग्रुप आइकन्स बाय कलर और एनिमेशंस इन कलर कैटेगरी के कुछ नए चेंजेस यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस ये देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ग्रुप आइकन्स बाय कलर और एनिमेशंस इन कलर कैटेगरीज। तो इस तरीके से जो है आपको ये कुछ एनिमेशन टाइप के यहाँ पे कलर में एनिमेशंस आपको यहाँ पे आगे चल के देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ चेंजेस जो है आगे चल के आपको MIUI 14.1 में देखने को मिल सकते हैं। माना ही जा रहा है काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि MIUI 15 के लिए टेस्टिंग की जा रही है, क्योंकि कैमरे के अंदर UI में काफी ज्यादा चेंजेस किए जाएंगे और जो है आइकन पैक को भी पूरा जो है इन्होंने चेंज कर दिया है। अगर आप आइकन पैक को यूज करना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को चेकआउट कर लिया जिससे आपको पता चलेगा MIUI 15 के आइकन पैक आप अपने Xiaomi फोन में कैसे यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल के सपोर्ट एंड मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।